नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम की संघटकों के उपयोग। हमने इसलिए इसके पिछले वीडियो के अंदर पेट्रोलियम का परिष्करण पढ़ा। परिष्करण में यह था कि पेट्रोलियम के विभिन्न पदार्थों का पृथक्करण करना, संघटकों को अलग-अलग करना ही हम क्या कहलाता है, पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाता है। आज हम कौन कौन से वो संघटक है या पेट्रोलियम के घटक हैं जिनको हम पृथक करते हैं और उन संघटकों या घटकों का हम का उपयोग करते हैं, आज इस वीडियो के अंतर्गत इसका ही अध्ययन करेंगे। आज यानी कि पांच है कोयला व पेट्रोलियम के अंतर्गत। यहाँ देखिए संघटकों के नाम देते हैं। पहला संघटक है या घटक के ये पेट्रोल का वो है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसका नाम था एलपीजी। एलपीजी कभी कभार पूछा जाता है कि एलपीजी का पूरा नाम लिखिए। एल का अर्थ होता है लिक्विड, पी का अर्थ होता है पेट्रोलियम, जी का अर्थ होता है गैस, यानी लिक्विड कौन सी, द्रवित, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये ध्यान रहे एक स्वच्छ ईंधन है। ये कैसा ईंधन है, एक स्वच्छ ईंधन है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग हम घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में करते हैं। अर्थात जैसे खाना पकाने के लिए हमें क्या चाहिए, उष्मा। उष्मा किससे उत्पन्न करते हैं, ईंधन के लिए, ईंधन से ही उष्मा उत्पन्न करते हैं ना। तो उष्मा उत्पन्न करने के लिए एलपीजी जो गैस सिलेंडर लगा होता है ना, उसी को ही हम एलपीजी गैस बोलते हैं। ये सिलेंडर एलपीजी, उसके अंदर क्या होती है, तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है। दूसरा होता है इसका, दूसरा पेट्रोल का संघटक वो है पेट्रोल। इस पेट्रोल का उपयोग हम कहाँ करते हैं, या मोटर गाड़ियों के अंदर, मोटरसाइकिलों या हल्के वाहन होते हैं जैसे कार हैं, उनको चलाने के लिए स्वच्छ ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। और दूसरा शुष्क धुलाई के लिए ये एक विलायक के तौर पर भी कार्य करता है। यानी कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनको धोने के अंतर्गत चिकनाई के कण होते हैं वो दूर हो जाते हैं, वहां पर इसको शुष्क धुलाई के रूप में किसका उपयोग करते हैं, पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। इस पेट्रोल से जो निम्न स्तर का घटक होता है वो डीजल होता है, लेकिन यहाँ मिट्टी का तेल पहले दे दिया है ना। आपका किताब के अंदर ध्यान से देखना, मिट्टी का तेल पहले दे रखा है, यहाँ पहले दे रखा होना चाहिए डीजल और बाद में मिट्टी का तेल, क्योंकि पेट्रोलियम सबसे अधिक उच्च स्तर का पेट्रोलियम गैसों के अंदर होता है, तो वो होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। उससे कम स्तर का पेट्रोल, उससे कम डीजल का, डीजल से मिट्टी का तेल, स्नेक तेल, पैराफिन मोम और अंत में बिटुमेन, यानी कि ये घटक विभिन्न ताप पर पहले से अलग हो जाते हैं। मिट्टी का तेल का भी उपयोग कहाँ करते हैं, हमने आपने देखा होगा पुराने जो स्टोव होते थे, छोटे छोटे लैंप होते थे, उन लैंपों को जलाने के लिए ईंधन के रूप में भी किसका उपयोग करते थे, मिट्टी के तेल का उपयोग करते थे। यानी स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। डीजल, डीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, भारी वाहनों के अंतर्गत ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे ट्रक को, ट्रैक्टर है, उन सब के अंतर्गत हम डीजल का उपयोग करते हैं, भारी वाहनों में ईंधन के रूप में और विद्युत जनित्र में ईंधन के रूप में। विद्युत जनित्र कौन सा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को जो या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो कौन सा कहलाता है, विद्युत जनित्र कहलाता है। यानी कि आप इसको कह सकते हो नॉर्मल भाषा में जनरेटर, कह सकते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, करंट निकालता है, विद्युत उत्पन्न करता है। वहां पर हम किसका उपयोग करते हैं, क्या डालते हैं उसके अंदर का, डीजल। डीजल का उसके अंतर्गत क्या होता है, क्षय होता है, क्षय होने के कारण क्या उत्पन्न होती है, उष्मा या विद्युत उत्पन्न होती है। इससे जो निम्न स्तर है उसे क्या, कौन सा प्राप्त होता है, संघटक घटक वो है स्नेक तेल, और स्नेक तेल का उपयोग करते हैं स्नेक के रूप में। और इससे निम्न स्तर होता है पैराफिन मोम, इसका उपयोग करते हैं मरक, मरम वाली जो कुछ आती है कि अलग अलग तरह की ट्यूब लगाने, वैसलीन, मोमबत्ती बनाने के अंतर्गत इसका उपयोग करते हैं, पैराफिन मोम का उपयोग करते हैं। और बिटुमेंस, बिटुमेंस आपने देखा होगा गाढ़ा घोल पदार्थ होता है, काले रंग का द्रव पदार्थ होता है, जिस लगभग 200 प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है, कोल तार में पड़ा, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, बिटुमेन का आजकल उपयोग कहाँ करते हैं, पक्की सड़कों के निर्माण के अंतर्गत किया जाता है, और पेंट करने, कलर करने के अंतर्गत भी बिटुमेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये हो गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उपयोग। इसके अलावा हमने पढ़ा था पेट्रोल रसायन।
यानी कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से बहुत उपयोगी जो पदार्थ बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं पेट्रोल रसायन। कौन कौन से उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं तो एक वो पढ़ेंगे उपयोगी पदार्थ कौन से हैं। पेट्रो रसायन का उपयोग, पेट्रो रसायन का उपयोग, पेट्रो रसायन का उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक बनाने, अपमार्जक का क्या होता है? पाउडर, पाउडर कहते हैं अपमार्जक बनाने ना, अपमार्जक बनाने। अब कुछ क्वेश्चन नहीं आता अपमार्जक क्या होता है। अब जो होता है सोडा, जो होता है ना कपड़े धुलाई करने के लिए विभिन्न प्रकार के साबुन आते हैं उनके अंतर्गत पेट्रोल रसायन का ही उपयोग करते हैं। तो अपमार्जक बनाने में, रेशों के निर्माण में, कौन कौन से देश रेशों के निर्माण में, रेशों के निर्माण में जैसे नायलॉन है, एक्रिलिक है, पॉलिस्टर है, इन सब रेशों के निर्माण में भी किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल रसायन का उपयोग करते हैं। रेशों की मानव निर्मित प्लास्टिक, मानव निर्मित प्लास्टिक, प्लास्टिक जितने भी बनी होती है उसके अंदर भी हम किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल रसायन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ, इसके अलावा जैसे पॉलीथिन के निर्माण, पॉलीथिन भी किसका उपयोग करते हैं? पॉलीथिन, पॉलीथिन के निर्माण में भी हम किसका उपयोग करते हैं? पेट्रोल रसायन आदि के। औद्योगिक जितने भी है, औद्योगों के अंतर्गत औद्योगिक निर्माण करना होता है, औद्योगों के अंदर जो माल बनता है वहां पर पेट्रोल रसायन से ही निर्मित किए जाते हैं आदि के औद्योगिक निर्माण में, आदि औद्योगिक, आदि औद्योगिक निर्माण में, औद्योगिकरण में या जाते हैं आदि के औद्योगिकरण निर्माण में निर्माण में किया जाता है। आज के इसके अलावा जैसे प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन गैस का उत्पादन किया जाता है। इस हाइड्रोजन गैस का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो उर्वरकों के निर्माण, उर्वरक कौन सा, जैसे यूरिया है, डीएपी है, आपने देखा होगा कृषि क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए हम उर्वरकों का उपयोग करते हैं। तो इन उर्वरकों का उपयोग निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस किससे प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाली, प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त होने वाली हाइड्रोजन गैस होती है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। उर्वरक, उर्वरक कौन से, जैसे यूरिया, डीएपी, डीएपी, ये नाम होता है आपने सुना होगा, डीएपी उर्वरकों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। और हाइड्रोजन गैस किससे प्राप्त होती है? प्राकृतिक गैस से प्राप्त होती है। अब देखिए हर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत, कोई भी वाहन चलाने के अंतर्गत, सबके अंतर्गत उपयोग किसका किया जाता है? पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो इसका पेट्रोलियम का भाव भी देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता जाता है, लोगों की नींद हराम कर देता है, इसके भाव बढ़ता है ना, लोग ऐसे बेचैन हो जाते हैं, अब कैसे खरीदेंगे, क्यों? इसका व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक होता है। व्यावसायिक महत्व बहुत अधिक होने के कारण इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं काला सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। ये ध्यान रखना कि काला सोना क्यों कहते हैं पेट्रोलियम को, क्योंकि इसका व्यावसायिक महत्व अत्यधिक होने के कारण पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना कहते हैं।
की बात की, व्यवसायिक महत्व। मैं तो अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण इन्हें पेट्रोलियम पदार्थों को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोल को पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। काला सोना भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ, है ना। पेट्रोल को भी हम काला सोना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका व्यावसायिक महत्व अधिक होता है। औद्योगों में भी और ईंधन के निर्माण में भी बहुत अधिक महत्व होने के कारण इसको काला सोना कहते हैं। आज के लिए नहीं, अगला हम पाठ का अंतिम भाग है वो आने वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।